हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। लास्ट क्लास में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बेसिक चीज़ें के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि वो होते क्या हैं, उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक बार क्विक क्विक रिविजन कर लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बेसिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है एटम्स। एटम्स क्या था कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कोई भी एलिमेंट जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे बेसिकली, जब किसी भी एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एटम्स, ठीक है, इनको कंबाइन किया जाता है, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं या कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे O2 हो गया, इसमें सेम टाइप काइंड ऑफ एटम्स हैं, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन का भी है और क्लोरीन के एटम्स भी हैं, तो दीज फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्विक रिवीजन थी जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आयंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। फर्स्ट टॉपिक इज आयंस। आयंस क्या होते हैं बेसिकली? आयंस आर बेसिकली दोज एटम्स। एटम्स ए ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके अंदर या तो पॉजिटिव चार्ज लग जाता है या नेगेटिव चार्ज लग जाता है, उनको क्या बोलते हैं, एटम्स। अब बच्चे जो है वो एटम्स और आयंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस है क्या। ठीक है, एटम हमने पढ़ा था कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। अब उन्हीं एटम्स पे जब चार्ज लग जाता है, या पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, नेगेटिव चार्ज लग जाता है, तो उन एटम्स को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आयंस है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज केटायंस, सेकेंड इज एनायंस। ठीक है, कैटायंस क्या होते हैं, वो एटम्स जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। ठीक है, दोज एटम्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज लग जाता है उनको बोलते हैं कैटायंस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे लगता है, जब वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, जाओ फ्री हो तुम। ठीक है, तो वो एटम्स क्या बन जाते हैं, उनको कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सोडियम है, दिस इज एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब ये सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, गिव कर देता है कि भाई ले लो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो सोडियम का एटम क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनायंस। अनायंस क्या होते हैं बेसिकली, वो एटम जिसमें नेगेटिव चार्ज लगता है। ठीक है, दोज एटम्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर कॉल्ड एज अनायंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, इन सब में नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करते हैं। ठीक है, कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और एनायंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन का एटम है, जब ये किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे दे दो, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है ये। ठीक है, जिसे बोलते हैं एनायंस। ठीक है, तो ये क्लोराइड का आयन बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इज कैटायंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायंस नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैटायंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और एनायंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। यानी कि वो जैसे अभी हमने पढ़ा एनायंस और कैटायंस इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, अब वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी
वन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल इज एच, उसकी वैलेंसी वन है। ठीक है, अब बोरॉन इज बी, वैलेंसी थ्री, यानी कि या तो वो तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो टेबल है, एक बार इस पे इसको गो थ्रू कर लेना कि इनकी वैलेंसीज कितनी होती है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो इन आयन से बनते हैं। ठीक है, जो पढ़े थे पॉजिटिव चार्ज आयन या नेगेटिव चार्ज आयन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसमें दोनों टाइप के आयन्स होते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैटायन्स भी होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज आयन्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl। सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन इज, क्लोराइड इज बेसिकली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स, बिकॉज ये आयन से मिलके बने हैं। इसमें ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें बोथ पॉजिटिव चार्ज सोडियम भी है और नेगेटिव चार्ज क्लोराइड भी है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड अगेन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि एटम क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये जो एटम है वो किस किस चीज से बना होता है? ठीक है, जो एटम है बेसिकली थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो सेंटर ऑफ एटम्स में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के जो बाहर एक ऑर्बिट बनी होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं जो ये ग्रीन और ऑरेंज कलर के जो ये पार्टिकल्स हैं जो सेंटर में लोकेटेड हैं, दीज आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये बाहर जो ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो न्यू अंदर हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड जो बाहर घूम रहे हैं दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। अब जो न्यूक्लियस है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स को कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फॉर द टाइमिंग इतना देखिए कि जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज उसके अंदर प्रोटॉन्स है एंड प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो एटम्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकली इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, बिकॉज जो प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एटम होता है उनका कोई चार्ज नहीं होता है। उनका चार्ज कब बनता है? जब उनमें से जब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है या वो लूज करता है या वो गेन करता है, जिसकी वजह से वो बैलेंसिंग हिल जाती है और उसके अंदर चार्ज आ जाता है। ठीक है, एटम्स बेसिकली तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता था, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसने डिस्कवर किए थे? जे जे थॉमसन ने इन 1897। अब साइंटिस्ट के जो नेम है कई बार एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में, पेपर में पूछ लेता है, तो एक बार जितने भी ये साइंटिस्ट है जिसने कोई कोई चीज इन्वेंट किया, डिस्कवर की है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे? जे जे थॉमसन ने 1897 में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी कि फिक्स्ड पाथ, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये इस फिक्स्ड पाथ में जो है ये रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स्ड पाथ यानी कि ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इज वन वन बाय वन वन बाय 1840 मास ऑफ वन हाइड्रोजन आटम, यानी कि एक हाइड्रोजन आटम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन आटम के इस रेशो के इक्वल है। और एब्सोल्यूट मास यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 × 10⁻³⁻³ ग्राम्स, यानी कि बहुत ही कम मास है एक इलेक्ट्रॉन में। और एक मास का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज −1.6 × 10⁻¹⁹ कोलब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट अब एटॉमिक पार्टिकल है वो है प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स किसने के डिस्कवर किए थे, ई गोल्डस्टाइन, ठीक है। ई गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गया था। और जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स लोकेटेड होते हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसमें कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जैसे यहाँ पे ये पाथ फिक्स्ड पाथ में दोज वर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन्स बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दे लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, और इनमें चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इनका एब्सोल्यूट मास इज 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, एंड इनका चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलब, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अब जो एक पार्टिकल होता है यानी कि जो एटम है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किए थे, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर न्यूट्रल इन चार्ज, उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, और ये भी कहाँ लोकेटेड होते हैं, न्यूक्लियस में, जहाँ जहाँ पे न्यूट्रॉन्स लोकेटेड होते हैं उसके पास ही न्यूट्रॉन्स भी लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इनका एब्सोल्यूट मास इज 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, और दे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और जब हम रिव्यू क्वेश्चंस करते हैं टाइम क्वेश्चन के बाद, वीडियो को ज़रूर पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर खुद करने की ट्राई कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कितना, जो आज की क्लास है वो कितनी समझ में आई है, ठीक है। एंड प्लीज़ डू शेयर एनी क्वेरी और डाउट्स दैट यू हैव, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। First question is, group of atoms chemically bonded together is called, कि कोई भी group of atoms है उनको chemically अगर bond किया जाए तो उनको क्या कहते हैं, molecule, ion, salt or its element, they are called as A, molecules. Next question is, adding electron to an atom will result in, कि अगर किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो एक मॉलिक्यूल बनाएगा, एनायंस बनाएगा, कैटायंस बनाएगा, और वो डी सॉल्ट बनाएगा। द आंसर इज इट्स बी एनायंस, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एडिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर क्वेश्चन होता कि अगर कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या बनाता, कैटायंस बनाता, ठीक है। एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज अनायंस, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कैटायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड अ और एन डैश एंड हैज अ डैश चार्ज, यानी कि कोई भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं और उसमें कौन सा चार्ज होता है, अनायंस बोलते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायंस बोलते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, या अनायंस विद नेगेटिव चार्ज और कैटायंस विद नेगेटिव चार्ज, they are called as
बी कटायंस, और उनमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐड का हो जाता, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड अनायंस, और उनमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बाय हुम वॉज न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। इट्स ए बोहर, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड और इट्स डी डेल्टन। द आंसर इज बी चैडविक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया था, क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स का भी आ सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ न्यूट्रॉन्स का है। इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉम्सन, एंड प्रोटॉन्स वो डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नेम एक बार अच्छे से जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।